नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू है और मैं अपने स्लीपलेस की प्रॉब्लम से काफ़ी परेशान था। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, बट उन सब लोगों ने मुझे पेन किलर्स दिए, बट परमानेंट सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला। मैंने इंडियन स्पाइन सेंटर में भी अपने आप को दिखाया था, बट वहाँ से भी कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला मुझे। मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे नोगा बेस के बारे में बताया, उनको भी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार नूगा बेस ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली कुछ फ़ायदा मिलेगा। मैंने नूगा बेस को फिर गूगल पर सर्च किया कि गाज़ियाबाद में नूगा बेस का कोई सेंटर है या नहीं, तो मुझे गाज़ियाबाद में नूगा बेस का सेंटर मिल गया। मैंने वहाँ पर जाके देखा तो वहाँ पर बहुत से लोग मुझे ऐसे देखे जो थेरेपी ले रहे थे, जो अपनी अलग अलग परेशानियों की वजह से वहाँ पर आए हुए थे। मैंने वहाँ पर थेरेपी लेना स्टार्ट किया और कुछ दिनों में, 2 से 3 दिन में मैंने थेरेपी लेने के बाद में मुझे अपने आप में कुछ फ़र्क दिखने लगा। मैंने कंटिन्यू वहाँ पर 10 दिन की थेरेपी ली और मेरा बैक पेन जो है वो पूरी तरह से चला गया। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि नूगा बेस से मुझे मेरी थेरेपी में बहुत फ़ायदा मिला। उसके बाद में फिर मेरी जॉब की वजह से मुझे जाना पड़ा, तो मैं थेरेपी को कंटिन्यू नहीं कर पाया। अभी कुछ टाइम पहले मेरी वाइफ को भी ये प्रॉब्लम हुई थी, उसको भी डॉक्टर ने बोला कि स्लिप डिस्क है या बैक पेन है पता नहीं, उसके लिए MRI कराना पड़ेगा, तभी हम कंफर्म कर पाएंगे कि वो क्या प्रॉब्लम है। मैंने MRI कराने की बजाय सबसे पहले नूगा बेस सेंटर पे बात की और मैं वहाँ से N5 बेड को लेके आ गया और उससे अपनी वाइफ को थेरेपी दिलाना स्टार्ट किया। मेरी वाइफ ने घर पे ही थेरेपी लेना स्टार्ट किया क्योंकि उसकी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो सेंटर पे जा सके। 2 दिन की 3 दिन की थेरेपी में इसको इतना रिलीफ मिल गया कि ये बेड से उठ के चलने लगी और अपने बाकी के रोज के काम करने लगी। मुझे सच में अपने बैक पेन में बहुत आराम मिला और मेरे जो पेन किलर्स थे वो भी बंद हो गए। उसके बाद उस बेड से हमारे फैमिली मेंबर्स ने भी थेरेपी ली, जिस बेड को मेरे हस्बैंड घर लाए थे N5 बेड से, और उन लोगों को भी काफ़ी आराम मिला। मेरी मदर को सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, उनका सर्वाइकल का प्रॉब्लम ठीक हो गया। मुझे PCOD का भी प्रॉब्लम था जो कि हार्मोनल प्रॉब्लम था, वो भी उसमें भी काफ़ी आराम मिला और PCOD की प्रॉब्लम भी मेरी ठीक हो गई। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, नूगा बेस सबसे बेस्ट।